नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से केवल भारत या अफगानिस्तान ही तक नहीं है, बल्कि चीन को छोड़कर उसका कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जो उसकी कारगुजारियों का भुक्तभोगी नहीं हो। ताजा मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच फंस गया है। ईरान का आरोप है कि उसके 4 जवान पिछले 3 दिनों से लापता हैं, जिनकी लोकेशन आखिरी बार पाकिस्तान के 3 किलोमीटर अंदर मिली थी। ईरान को संदेह है कि उनकी गुमशुदगी के पीछे पाक आर्मी और उसके पाले हुए जमूरों का हाथ है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि 3 दिन पहले उनके पास मौजूद सेटों की रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनके पाकिस्तान में होने की पुष्टि हुई थी, मगर उसके कुछ देर बाद ही उनसे कनेक्शन टूट गया। इस घटना के बाद से ईरान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ गई है। इससे पूर्व फरवरी 2019 में पाकिस्तान के जमूरों ने 27 ईरानी जवानों को शहीद कर दिया था। यह संयोग ही कहा जाएगा कि इधर भारत के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हालात खराब करने शुरू कर दिए हैं, जबकि ईरान के साथ लगती सीमा पर भी पाक फौज ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। यानी 14 महीने के भीतर भारत और ईरान में पाकिस्तान की तरफ से दोनों घटनाएं एक साथ हुई है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कठोर शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए सख्त लहजे में पाक को चेतावनी दी है। रूहानी ने कहा है कि अगर उनके सैनिकों को खरोच भी आई तो पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, पाकिस्तान हमारे सबर का इम्तिहान नहीं ले। रूहानी ने कहा कि उनके सैनिक पाकिस्तान की सीमा में है, पाकिस्तान को उन्हें खोजकर सैकुशल ईरान को सौंपना होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो ईरान की सेना खुद पाकिस्तान में घुसकर अपने जवानों को वापस लाएगी। ईरान द्वारा दिखाए गए सकारात्मक रुख से पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। कल देर रात ईरान और भारत के मसले पर इमरान ने जनरल कमर जावेद बाजवा संग बैठक की। इमरान की कोशिश यही है कि अचानक से बदले हालातों को किसी तरह पटरी पर लाया जा सके। पाकिस्तान पर पूर्वी और पश्चिमी सीमा के दोनों ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी को संभालने के लिए पाक फौज सड़कों पर भागी फिर रही है। ऐसे में बॉर्डर पर स्थिति गंभीर होती है तो पाक के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान के बीच 959 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह चारों सैनिक नियमित रूप से गश्त पर थे। यह वही क्षेत्र है जहां पाकिस्तान में मौजूद बलूची अलगाववादी और जिहादी ईरानी सुरक्षा चौकियों पर लगातार हमले करते रहते हैं। ईरानी सैनिकों के साथ इस तरह की हरकतों के लिए पाक परस्त जैसल अदर जिहादी समूह कुख्यात है। यह संगठन इससे पूर्व भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसकी वजह से ईरान और पाक के संबंध तनावपूर्ण बनते रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोषियों को दंडित नहीं किया तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ऐसे तत्वों से पाकिस्तान की मिली भगत पाई गई तो पाकिस्तान को उनके समर्थन करने का अंजाम भुगतना होगा। अली जाफरी ने कहा कि जब तक ईरानी जवान सैकुशल वापस नहीं लौटाते, ईरानी सेना अपना दबाव बनाए रखेगी। ईरान के राष्ट्रपति और सेना ने जिस तरह कठोर लहजे में पाक को चेताया है, उसने इमरान और बाजवा दोनों की नींद उड़ा दी है। हालांकि पाक सेना ने इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया है, मगर अप्रैल 2019 में उसके 14 सैनिकों की हमले में हुई मौतों का संबंध इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। उस वक्त पाकिस्तान ने इस घटना का आरोप ईरान पर मढ़ा था। ईरान को शक है कि पाकिस्तान ने उसी का बदला लेने के लिए यह हरकत की है। हालांकि उस वक्त ईरान ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। दोनों देशों के बीच तलवारें खींचने से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वैसे कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों ने ईरानी अधिकारियों से बात की है। उन्होंने ईरान को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, मगर अचानक से इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है। जबकि इधर भारत भी पाकिस्तान के हाथ पांव फुला रहा है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि कश्मीर में उसके गुर्गों द्वारा की गई गुस्ताखी के नतीजे उसको भुगतने होंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान पाकिस्तान पर एक्शन ले अथवा नहीं, पर भारत इस मुल्ला मुल्क को बकसने के मूड में हरगिज नहीं है। पाकिस्तान की फिक्र इसलिए भी बड़ी हुई है कि उसकी आधी सेना कोरोना वायरस की जंग में सड़कों पर मौजूद है, जबकि उसके दोनों ओर की सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।